Hi Nitin, many many congratulations for achieving second rank in UPSC as a company prosecutor in Ministry of Corporate Affairs. Thank you so much ma'am. Thank you so much. So Nitin, मैं ये चाहूंगी कि like अभी जो students हैं, तो they are very much confused and diverted, like कि हमें किस book को refer करना है, हम BEREC को कैसे पढ़ें, language बहुत difficult है. तो व्हाट आई वांट कि आप एक बार बच्चों को एक्सपीरियंस को एक अपने प्रिपरेशन के बेसिस पर ही जस्ट एडवाइस दें कि उनका कंफ्यूजन ना हो, उन्हें कुछ लॉ को जैसे फॉर एग्जांपल द थिंग्स व्हिच हेल्प यू इन पॉलिश योर लॉज एंड मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. तो वो ऐसा आप उनको बच्चों को क्या स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहोगे कि वो क्या ऐसा पढ़ें, कहाँ कैसे डायरेक्शन लें कि जो भी चीज़ उनको डिफिकल्ट लगती है आईपीसी सीपीसी सीआरपीसी यू नो आर द बैकबोन. सो वो चीज उनके लिए बहुत आसान हो जाए. ओके, तो वो थोड़ा सा प्लीज बच्चों को गाइड करिए. ओके मैम, जैसे कि लाइक आउट ऑफ जितने भी हमारे आई वाज द ओनली वन व्हेन आई वाज सिलेक्टेड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017 इन दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे बैच में से. तो डेट वाज अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट. उसके बाद मुझे खुद पे भी कॉन्फिडेंस आ गया, पेरेंट्स को भी ये कोरोबरेट हो गया कि हाँ ही कैन परफॉर्म बेटर. जितने लॉयर्स थे जिनके साथ मैं प्रैक्टिस करता था या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में इंटर्नशिप, तो वो भी फिर दे वर आल्सो इलेटेड कि हाँ उनको प्राउड फील हो रहा था. इवन बार काउंसिल के जो हमारे अभी वाइस चेयरमैन सर थे डीके सिंह सर, तो वो भी मतलब सब अच्छे फ्रेंड बन गए थे. ऑल वर एप्रिसिएटिंग बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस से अच्छे खासे इतने टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री, इंद्रजीत सिंह मैम या फिर अमन लेखी सर और श्याम दीवान सर और इन सबसे मतलब कपिल सिब्बल सर, इन सबसे मतलब अच्छी सबसे बॉन्डिंग अच्छी डेवलप हो गई थी. तो इतना फिर फैमिली को भरोसा हो गया था कि हाँ ये अच्छा करेगा. और उसके बाद वो फाइनेंशियल जो क्राइसिस होती है कि हाँ लॉयर सर कैसे करे, तो वहाँ पे एक अच्छा मतलब इट्स राइट नाउ अराउंड 65,000, तब 50,000 होता था, स्टाइफंड भी मिलने लगा था. तो मेरे पास इतना आ गया था, मेरा ये प्लान था कि मैं अच्छे से समझ लूँ सुप्रीम कोर्ट जजेस कितनी मेहनत करते हैं. तो एक मतलब अच्छा आइडिया हो गया था, कोचिंग वगैरह कुछ लेने का टाइम भी नहीं मिला था सच. तो फिर मैंने एक अपना खुद का एक फाइनेंशियल जब क्राइसिस होती है स्टूडेंट को थोड़ा लगता है कि हाँ वो इनिशियल डेज में स्ट्रगल करना पड़ता है. आप जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करते हो तो भी आप 2 या 3 साल रख लो है ना, या फिर आप एज एन लॉयर लिटिगेशन में जाते हो तो भी दिक्कत होती है. तो अब मेरे पास ये सीन नहीं था और सारा मतलब जो टेंशन थी वो सब रिलीज हो चुकी थी, क्योंकि वंस आई हैव प्रूव्ड कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मतलब दैट वाज लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट. उसके बाद मैंने ब्रेक लिया, वन ईयर अच्छे से ड्रॉप किया घर पे बैठ के, जबकि मैंने दोबारा भी क्लियर किया था अपना टेस्ट करने के लिए कि नॉलेज लेवल क्या है. सेकंड टाइम इन 2018 आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 15. इस बार मेरा इंटरव्यू लिया था प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन बी रमना सर अलॉन्ग विद जस्टिस आर भानुमती मैम, ऑनरेबल जस्टिस आर भानुमती मैम एंड ऑनरेबल जस्टिस ए एम खानविलकर सर जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे एमपी हाईकोर्ट के. तो इन्होंने इंटरव्यू लिया और आई वाज लाइक कॉन्फिडेंट कि हां दोबारा पेपर क्लियर किया इट मींस आई एम रेडी. और उसका सिलेबस सेम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के प्रीलिम्स जैसा ही होता है, सुप्रीम कोर्ट का लीगल रिसर्चरशिप का जो एंट्रेंस होता है. तो आई वाज क्वाइट श्योर कि अब डीजेएस का प्री भी निकल जाएगा और मेंस थोड़ा अप्लाइड होता है. तो उसके लिए फिर मैंने सर्च करना शुरू किया कि अब क्या कंटेंट मेंस के लिए पढ़ूं. तो मुझे मार्केट में सबसे अच्छा कंटेंट लगा, फिर मैंने एम्बिशन के स्टडी मटेरियल वगैरह देखे थोड़ा. बेरेक तो सर ने तब बनाया नहीं था बट स्टडी मटेरियल देखा, वो इतना अच्छा मतलब बहुत ही जबरदस्त उन्होंने लाइक लॉ को बड़ा लूसिड लैंग्वेज में समझाया हुआ था एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट. तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे वो कंटेंट मिल गया बिकॉज कोचिंग लेने का टाइम नहीं था मेरे पास. और मैंने जॉब भी क्विट कर दी थी अपनी अच्छी खासी सैलरी, मेरी 75,000 की सैलरी मिल रही सब कुछ, वो भी छोड़ दिया. I left at once everything. और फिर उसके बाद अराउंड वन ईयर मैंने रिलीजियस की बहुत सारे एग्जाम्स अपियर किए, एम पी हो या फिर जितना इधर यूपीएससी के हो या फिर LLM के नेट JRF ये सब नेट मैंने क्रैक किया, सॉरी LLM क्रैक किया दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2019 में. आफ्टर सिक्स भी मतलब मंथ्स मैंने पहले प्लान बनाया हुआ था कि NLU को ज्वाइन कर लूंगा या फिर ये ज्वाइन कर लूंगा जुडिशरी निकल जाए साथ में या फिर यूपीएससी को निकल जाए बिकॉज लॉ इतना स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लिया था MCQ बहुत सारे सॉल्व करके. बेरेक पे मेनली कमांड रखनी होती है आपको, आपको ज्यादा बुक्स वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना होता है बिकॉज बुक्स का ऑथर का अपना व्यू हो सकता है. तो सारे ऑथर्स के अपने डिफरेंट व्यूज होते हैं. अब बेरेक क्या है कि वो इट इज लाइक अ प्योर लेजिस्लेटिव मतलब जो लेजिस्लेशन पार्लियामेंट के थ्रू आ रही है. तो आपको बेरेक पे एक दो बार पढ़ने में थोड़ा सा टफ लगेगा, समझ नहीं आएंगे जो नॉर्मल बेरेक्स आते हैं.
मतलब दो तीन बार पढ़ के वो भी समझ आ जाएंगे, बट आपको पहली बार में समझना है कि बहुत अच्छे से समझ आ जाए कुछ रिसेंट केस लॉस के साथ। तो जो हमारे एम्बेसी ने लॉ इंस्टीट्यूट ने जो काम किया डेट वॉज लाइक अमेजिंग, मतलब मजा आ गया उसको पढ़ के कि उन्होंने जो रेशियोज केस के साथ समझाया हुआ था कि हाँ इसका जो ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स हैं इन वर्ड्स का मतलब क्या है, सेक्शन उसको हाउ टू डिसाइफर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। तो फिर उसको पढ़ने के बाद और भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। विद इन सिक्स मंथ्स मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाई स्कोर ऑल इंडिया रैंक 18, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी हो गया। जब मैं पेपर अपेयर करने जा रहा था अराउंड वन वीक पहले मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि हो जाएगा मेरा, बस रैंक वाली बात है। फिर उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे यहाँ के प्रोफेसर ही हैं जो सेट करते हैं नेट जेआरएफ सारा यूजीसी का जो लॉ का होता है, तो उसको भी मैंने इतना भरोसा था कि हो जाएगा, देखते हैं थोड़ी सी और प्रिपरेशन कर लो। वन वीक प्रिपरेशन किया, नेट भी निकल गया। उसके बाद यूपीएससी के पेपर आया, बस बिकॉज आई डेवलप्ड माईसेल्फ ऑन द लाइंस की मैं खुद को एज एन गुड लॉयर डेवलप करना चाहता था। आई वांटेड टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया। अब मेरे कोई लिंक्स नहीं थे या फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, तो जैसे ही अपॉर्चुनिटी आई कि हाँ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री में लाइक आई कुड बी द प्रोसिक्यूटर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन आई वॉज ऑन माई टोज कि हाँ अब टाइम आ गया है इसके लिए। तो मैं जुडिशियल सर्विसेज भी या आईएएस आईपीएस कैडर या फिर लाइक स्टेट जुडिशरी भी छोड़ सकता हूँ, दिस इज माई ओरिजिनल ड्रीम। क्योंकि आई डेवलप्ड माई सेल्फ लाइक जैसे मैंने मूड कोड या फिर जितने कॉम्पिटिशन फेस किए, जितने कॉलेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया, तो मैंने अपने आप को इसी लाइन्स पर डेवलप किया था। आई वॉज बिग फैन ऑफ लाइक अपने श्याम दीवान सर या इंदिरा जयसिंह मैम या फिर जितने अमल लेखी सर और कपिल सिब्बल सर या हमारे जो प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद सर, उनसे भी एक दो बार मीटिंग हुई सीनियर्स के साथ। तो मुझे इस टाइप से कुछ मतलब ऐसा ही बनना था, तो दैट वॉज माई ओरिजिनल ड्रीम। तो फिर दिल्ली जुडिशियल भी क्रैक किया, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज 2020 ये भी क्रैक किया, बट माई रैंक वॉज समवेयर 150 अराउंड। तो इतना मतलब ठीक है, उसमें थोड़ा सा इतना रैंक वगैरह का मतलब आई वॉज नॉट डेट मच लाइक रेडी कि मैं जुडिशियल सर्विसेज जाऊँ। मुझे सिर्फ माइंड में ही चल रहा था कि मुझे एनी हाउ ये पोस्ट चाहिए। लाइक 2013 कंपनीज अ लॉ अमेंडमेंट करने के बाद वी हैव इंडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ SFIU, इट इज स्ट्रॉन्गर देन द CBI ED, इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। तो आई रियलाइज कि मुझे यही चाहिए कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, एनी हाउ जितना भी इसका मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। तो अगेन फिर से मैं अंडरग्राउंड हो गया 4-5 मंथ्स के लिए, और मैंने बहुत सारे MCQs वगैरह पूरे बेयर एक्ट और एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के बेयर एक्ट जो केस लॉ समरी मतलब रेशियोज दी हुई है सेक्शंस के साथ में, डेट वॉज रियली अमेजिंग। मतलब उसने मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि होता क्या है कि आपको एक अरेंज ऑर्डर में चीजें मिल जाए ना, तो आपको 10 बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती, टाइम सेव। हाँ टाइम सेव हो जाता है, और उसी मतलब एक सेक्शन पे आपको एक या दो केस लॉ पता हो लैंडमार्क, उतना सफिशियंट है जुडिशियल के लिए भी, DGS हो, हरियाणा हो या फिर MP, UP, एनी स्टेट जुडिशियल या UPSC ऑप्शनल भी हो, दो या तीन मतलब केसेस आपको लैंडमार्क मिलने चाहिए। जैसे कि अपना एक अश्मीरा सिंह वाला केस हो गया स्टेट ऑफ MP जो सेक्शन 30 पे है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर वो गौतम कुंडू वाला हो गया सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, या फिर इस टाइप के मतलब लैंडमार्क कुछ मिल जाए, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर पे जैसे मैंने आपको पहले बताया वो सारे जो क्रोनोलॉजी है हाउ बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप अप टू द दिस आईआर कोड 2007 सिंस 1951 ऑफ दिस शंकरी प्रसाद से लेके 2007 आईआर कोयलो तक जैसे बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सर ने ऐसे अरेंज किया हुआ था इन्होंने एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने, जितना भी इन्होंने अच्छे से अपना रिसर्च टीम दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, वो काफी मेहनत दिखती है। तो वो एक ही जगह पे मुझे सब मिल गया और मैंने उसको अच्छे से रीड किया, और यूपीएससी में व्हेन आई अपीयर्ड दिस एग्जाम माय स्कोर वाज अराउंड 85-90% आई वाज गेटिंग इट, इतना मेरा स्कोर था 1/3 नेगेटिव मार्किंग के बाद भी, आई वाज क्वाइट डैम श्योर कि हां सिलेक्शन तो हो जाएगा, अब रैंक की बात है। तो हाँ फिर उसके बाद इंटरव्यू उन्होंने और ज्यादा बोल्डली, पब्लिक स्पीकिंग की हैबिट तो थी, बड़े लोगों से मिल ही चुका था, सुप्रीम कोर्ट जजेस से रोज इवनिंग में 1 घंटे बात होती थी, तो बड़े लोगों से बात करना तो आई गई थी, जितने मतलब टॉप कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, तो चाहे वो हमारे लॉ मिनिस्टर सर हो या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस हो, मतलब सबसे अच्छे से बात करने का और एक वो फियर जो होता है थोड़ा एजिटेशन होता है वो सब रिमूव हो ही चुका था। तो जैसे ही यूपीएससी बोर्ड में मैं गया इंटरव्यू के लिए, उन्होंने दे ग्रिल्ड मी अराउंड 45 मिनट्स और दे वर सेइंग कि नितिन व्हाट शुड बी आस्क्ड, मैंने सर एनी लॉ आउट ऑफ द 35 सब्जेक्ट्स आई हैव स्टडीड इन LLB
in Delhi University. I did my LLB, then I served in Supreme Court of India. From my experience, right now I'm doing LLM from the Faculty of Law, University of Delhi. I'm in final semester. Anything your lordship wish to us, आप पूछ लीजिए. तो उन्होंने बैक टू बैक रैपिड फायर राउंड में अराउंड 45 मिनट्स में दे लेफ्ट नथिंग. आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ऑल कमर्शियल लॉज इंक्लूडिंग कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स एंड अपने आईपीआर लॉज हो गए जितने भी, और कंपटीशन एक्ट, अपना उसके बाद ये टॉर्ट्स, मतलब दे लेफ्ट नथिंग. मतलब दे आर लाइक फायरिंग लाइक मशीन गन, बट दे आर क्वाइट पोलाइट, वेरी वेरी हम्बल एंड पोलाइट पीपल दे वर लाइक. बट क्वेश्चंस जो थे ना वो उस टाइप से ही मुझे लग रहे थे उस टाइम. बट आफ्टर 10 मिनट्स आई गॉट एक्वेंटेड विद द कंडीशन. तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ सर आप जो पूछना चाहते हो मैम. दे वर थ्री मेंबर पैनल था उनका. तो उसके बाद वो भी स्माइल कर रहे थे कि हाँ ये तो कुछ, मतलब इसको कुछ भी पूछ लो. उसके बाद फिर वो आ गए कि हाँ चलो बेरेक तो सब टेस्टिंग होगी, इससे कुछ भी पूछ लो ये सब. मतलब मैं अराउंड 90% मैंने अच्छे से आंसर कर दिए थे. एक क्वेश्चन था शायद जिसमें मैंने बोला था सॉरी सर आई डोंट नो. तो जो आपको नहीं आता हम्बली बोल दो इंटरव्यू में. इवन डीजेएस का मैंने इंटरव्यू जो अपियर किया था उसमें भी मतलब एक क्वेश्चन मुझे नहीं आता था तो मैंने सीधा बोल दिया. और एविडेंस के उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे थे डीजेएस में भी. तो और सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलमोस्ट मतलब आते ही थे सारे जो इंटरव्यू फेस. तो ऐसा होता है मतलब आप हम्बली मतलब एक्सेप्ट कर लो, बिकॉज दे आर वेरी लर्नेड पीपल. उनको आपका रूम में जैसे आप एंटर करते हो आपके जेस्चर पोस्चर से आपके वे ऑफ स्पीकिंग से समझ आ जाता है कि. और आप देख ही सकते हो कि नाउ आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑनलाइन फॉर यूपीएससी पीपल एस्पिरेंट्स. तो पब्लिक स्पीकिंग मैंने अपना इतना स्ट्रांग बना लिया था कि और दे पीपल वर रियली इम्प्रेस्ड कि हाँ ही कैन रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनसीएलटी, वेयर एवर वी सेंड. मैं सर आप यूनाइटेड नेशंस में भेज दीजिए, एनी वेयर, यूएस भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, एनी वेयर आई विल रिप्रेजेंट माई कंट्री. So, नितिन लाइक अब जैसे आपने बोला कि इंटरव्यू आपका बहुत फंचाबुलस रहा, पब्लिक स्पीकिंग आपका बहुत अच्छा है. तो अब जैसे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली मुझे ये पूरा मतलब आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि वेल सीइंग यू एंड योर वीडियो स्टूडेंट्स आर नाउ बिट मोर कॉन्फिडेंट. जिनको कंफ्यूजन होगा कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू गिव इंटरव्यूज, हाउ टू प्रिपेयर, नाउ दे आर वेरी मच रिलैक्स. सो इन टोटैलिटी लाइक यू सेड दैट यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर डीजेएस एज वेल, यू राइट मीन्स फॉर दैट. So for that your law portion would be, you know, matters a lot. Yes, ma'am. So in short, law के लिए बच्चा मतलब जो specifically अपना first step उठाए कैसे ले और क्या पढ़ के मतलब like आपको लगा कि हाँ now as you said कि मैंने question बोला in front of London judges कि you can ask me anything from anywhere. Yes, so वो confidence इतना पढ़कर कहाँ से आया? Okay, ma'am. उसके लिए आपको सबसे best ये है कि आप डायरेक्टली पार्लियामेंट के एक्ट पढ़े. और उस पे मतलब दिस इज अ प्योर लॉ, 100% लॉ, उसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं होता, 100% लॉ है वो. इवन एक कॉमा, एक स्लाइड, फुल स्टॉप, वो भी उसकी भी मतलब ऑथेंटिसिटी होती है वहाँ पे. तो उसके बाद मैंने एक्चुअली आई वॉज प्रिपेयरिंग. जब ये डीजेएस का एग्जाम आया तो बहुत कम टाइम मिला था मेरा. डीजेएस का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उसके साथ यूपीएससी का भी एग्जाम था पैरेलली. तो मुझे फिर डिसाइड करना था, एक बड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेना था, बिकॉज लाइफ का पूरा करियर का सवाल था. ऊपर से मैंने मेडिकल से शिफ्ट किया था तो बहुत इंटेंस प्रेशर था. तो ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से जॉब भी क्विट कर दी थी, आई वाज अंडर इंटेंस प्रेशर. तो मुझे एक डिसीजन लेना था और फादर मिलिट्री मैन है तो आई वॉज लाइक इन बैटल फील्ड. तो सेम ऐसी फीलिंग थी मुझे कि जैसे कारगिल या उस टाइप से बैटल फील्ड में हो. तो हैव टू डिसाइड अब मुझे करना क्या है. तो मैंने यूपीएससी को ज्यादा प्रेफरेंस दी. अदरवाइज डीजेएस में भी मेरा समवेयर 150 रैंक आया है. वो लैंग्वेज पोर्शन पे मैं उन्होंने 10 अराउंड 12 डेज दिए थे तो इतना फोकस नहीं कर पाया. अदरवाइज डीजेएस में रैंक थोड़ा ज्यादा होता तो अभी दिल्ली में जज. बट आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन की मैं इतना रिजर्व रह सकूं. तो मैंने यूपीएससी वाले पे ज्यादा अपने आप को इंक्लाइन किया कि हाँ उसको दे देंगे, प्री हो गया है तो. बट स्टिल आ गया वो नॉर्मली रैंक. तो डीजेएस का इंटरव्यू फेस किया, सुप्रीम कोर्ट का भी किया, यूपीएससी का भी किया. दे पीपल आर वेरी पोलाइट और सारा बेरेक से ही पूछते हैं वो, चाहे आपका मेंस हो चाहे प्री हो. 90% आपका फोकस बेरेक पे रहता है और किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए आपका 80% अगर आपका स्कोर है तो यू विल बी रैंक वन. तो 90% चीजें बेरेक से ही होती है, प्री में हो चाहे मेंस हो, थोड़ा बहुत वो जीके या फिर जैसे कुछ स्टेट्स पूछ लेते हैं. हरियाणा ने थोड़ा बहुत पूछ लिया प्री में, मेंस में तो नहीं पूछता, लैंग्वेज और लॉ ही पूछता है हरियाणा.
और दिल्ली जुडिशियल थोड़ा बहुत करंट जीके पूछ लेता है लीगल, या सुप्रीम कोर्ट करंट लीगल जीके पूछ लेता है थोड़ा बहुत, और यूपी पूछ लेता है थोड़ा डिटेल में जीके। बाकी तो छत्तीसगढ़ हो गया या राजस्थान हो गया और एमपी हो गया, दे आर टोटली बेस्ड ऑन बेयर एक्ट। इसके मेरा एक फ्रेंड है, उसका आई डोंट वांट टू रिवील नेम, उसको ये तक नहीं पता कि कैम्ब्रिज कहाँ है ना, तो इतना मतलब पुअर जीके, बट वो सिर्फ लॉ बेयर एक्ट रटता रहता था और मैं देखता था कौन से बेयर एक्ट पढ़ रहा है यार ये, तो जो हमारे एम्बिशन इंस्टीट्यूट ने इतने अच्छे से रिसर्च करके बनाया सारा अरेंज करके, वो बस दिन रात उसी को पढ़ता रहता था, उसका रैंक 3 आ गया यार। और उसके बाद समवेयर लाइक आई वाज एस्टोनिश्ड कि कमाल कर दिया इसने, अभी बंदा मतलब उसका जीके एकदम पुअर, उसकी यूपीएससी तो मतलब वो उसके बस की मतलब भूल ही जाता था कि यार यूपीएससी कौन अपीयर करेगा, मतलब जीके मतलब उसका लाइक 10th स्टैंडर्ड वाले बच्चे का भी जीके नहीं, बट लॉ उसने मतलब दैट वाज लाइक फैबुलस, उसने जितनी मेहनत की, उसने बैरक पे इतनी अच्छी कमांड ले रखी थी, वो बहुत जबरदस्त था, तो उसको अरेंज करके एक जगह से मिल गए थे, उसने मुझे भी सजेस्ट किया, मुझे मजा आ गया यार ये देख के, मैं चलो अब इसी को पढ़ेंगे, तो फिर मैंने भी अपना लॉ वाला पोर्शन यहाँ डेवलप किया। दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में भी लॉ में मेरे तीनों में सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 और क्रिमिनल लॉ में अच्छा स्कोर था। लैंग्वेज पेपर पे उन्होंने सिर्फ 12 डेज का टाइम दिया था, तो इतना मतलब वहाँ पे मैनेज नहीं कर पाया, बिकॉज सब इंटेंस प्रेशर में थे जो ऑलरेडी किसी ना किसी स्टेट में सर्व कर रहे थे, या फिर जो पहले थोड़ा प्रिपेयर कर रहे थे, जो जिनका मेन फोकस ही डीजीएस था, मेरा वहाँ पे यूपीएससी का भी हो रखा था, बिकॉज एसएफआईओ और एक कंपनी प्रोसिक्यूटर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री देख के आई वॉज लाइक की हैड टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया, मुझे यही चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट टू लाइक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, आप उस टाइप से हो जाते हो, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, तो आई वॉज लाइक की हाँ फ्यूचर में अगर मन किया तो देख लेंगे अगर जुडिशियल का, बट मुझे ये क्रैक करना है, उसमें भी बेयर एक्ट आते हैं, तो उस पर फिर बेयर एक्ट पे क्वेश्चन 120 क्वेश्चन जो उन्होंने पूछे और 1/3 नेगेटिव और ऊपर से सब बेयर एक्ट से, पूरे के सारे के सारे क्वेश्चन बेयर एक्ट से, तो आपको बेयर एक्ट पे कमांड बहुत जबरदस्त लेना जरूरी है, प्रोविजंस ही होते हैं सारे जो 80-90% क्वेश्चन 20% क्वेश्चन अराउंड वो पूछ लेंगे रिलेटेड लैंडमार्क केस, आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं है केसेस पे भी, जो केसेस बहुत ही लैंडमार्क केसेस 2 या 3 हर सेक्शन पे पढ़ लो, जैसे कि एविडेंस का सेक्शन 30 हो गया, 27 हो गया, या फिर अपना 65B हो गया, या फिर आपका 112 हो गया, 115 हो गया, इस पे 2-3 लैंडमार्क केस देख लो, ज्यादा नहीं देखने डिटेल में जाना, सेक्शन 10 हो गया डीजीएस इंटरव्यू में, उससे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल सर ने पूछ लिया था सेक्शन 10 सेक्शन 134 112 और 2730 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन 120B इनडायरेक्टली, मतलब उन्होंने कि यहाँ कॉन्स्पिरेसी वगैरह कहाँ डिफाइंड है, या फिर विटनेस कितने होने चाहिए किसी ऑफेंस को प्रूव करने के लिए, तो वो 134 में सर इस टाइप से, ऐसे यूपीएससी में भी मतलब वो लाइक सेक्शन नहीं पूछ रहे थे डायरेक्टली, ऐसे जुडिशरी में थोड़ा सेक्शन बेस्ड अप्रोच थी उनकी, यूपीएससी में कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ रहे थे, जैसे सुप्रीम कोर्ट का इंटरव्यू था उसमें भी वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछ रहे थे, तो मैं जुडिशरी में भी नहीं पूछते हैं, पता नहीं उन्होंने क्यों पूछ लिया उससे, बाकियों से नहीं पूछा, कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहता है, बट बेयर एक्ट आपने पढ़ा है तो आप अच्छे से थॉरली आंसर कर पाओगे, जैसे उन्होंने मुझसे पूछा जस्ट ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल सर ने की कॉन्स्पिरेसी का वेयर कॉन्स्पिरेसी इज डिफाइंड, वो मैंने अच्छे से देखा था, सर ने अच्छे से एडमिशन लॉ ने अच्छे से उसमें उन्होंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो मेजर जो पोर्शन है और उसको उसके जो केसेस हैं उनको बड़ा हाईलाइट करके अच्छे से लिखा हुआ है, तो आई इमीडिएटली रिकलेक्टेड सेक्शन, आई टोल्ड हिज लॉर्डशिप दैट इट्स अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट रीड विद सेक्शन 120 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, एंड थोड़ा सा टच करता है 133 ऑफ द इंडियन पिनल कोड को, और एक्यूज्ड जैसे हो गया हमारा सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, वहां भी थोड़ा टच करता है, और सेक्शन 306 ऑफ द सीआरपीसी, तो मैंने सारे बता दिए, ही वाज हाईली इंप्रेस्ड, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है डन नितिन थैंक यू सो मच दैट ओके व्हाट्सएप्स इफ आई कुड बिकम लाइक इवन अ मिनिएचर वर्जन ऑफ यू दैट विल बी माय लाइफ विल बी सक्सेसफुल, तो इतना बोल के मैं उनको थोड़ी तारीफ करके आ गया, और अच्छे मार्क्स दे दिए थे उन्होंने, 70% मार्क्स दे दिए डीजीएस में भी, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स थे, क्रिमिनल सिविल सारे लॉज में भी, बस लैंग्वेज पेपर में मैं इतना थोड़ा सा नहीं कर पाया था, टाइम ही नहीं था, 12 डेज दिए थे, बट यूपीएससी मेरा जो मेन फोकस था तो उस पर मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी किया, अराउंड 1 मंथ मुझे मिला इंटरव्यू के लिए भी, तो देखते हैं अभी मार्क्स रिवील नहीं किए उन्होंने कितने मार्क्स मिले हैं, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि हाँ कहीं हो जाए टॉप 10 में कहीं आ जाए, आई वॉज लाइक शॉक्ड, आई वॉज थैंकिंग ऑलमाइटी गॉड लाइक लॉर्ड राम एंड लॉर्ड शिवा आई वर्शिप एंड
for diplomacy I follow Lord Krishna, yes, ma'am, as you say. So I want to be like Lord Krishna, like, yes. So unke jaisa hi wo mere, like, I worship him, so I want to be like a, yeah, diplomatic, like a, if you want to represent your nation, to aapko itna to hona padega, because aapko revenue save karna hai, nation ko represent karna hai, acche se nation ke liye aapko जीत के आना पड़ेगा, है ना, कोर्ट्स में, चाहे इंडिया में हो चाहे फॉरेन कोर्ट में कहीं भी। तो मैंने उस पर अच्छे से वर्क किया, और इतना आप देख ही रखे हो, जैसे मैंने सेक्शन बताया, जैसे जस्टिस मृदुल सर ने सेक्शन पूछे कॉन्स्पिरेसी पे, तो मैंने उनको सेक्शन 10, सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेट करके, सेक्शन 133, सेक्शन 27 थोड़ा जो हिट कर रहा है, सेक्शन 306 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 309 सीआरपीसी तक सब, और इवन सेक्शन 120 भी ऑफ द इंडियन पिनल कोड सब रिलेट कर दिया। जी। तो उसके बाद वो बहुत इंप्रेस थे, और सेक्शन 34 भी थोड़ा बहुत टच करता है, वो अलग बात है, बट मेनली ये है, बाकी अगर वो उसको लेना चाहे, अगर उसमें नहीं आ रहा है कॉन्स्पिरेसी में, तो इस टाइप से हम थोड़ा, मतलब ये सारे, मतलब उनको हर तरीके से कोर एरिया, पेरिफेरल एरिया सब बता दिया। तो ये सब टिप्स कहाँ से, अच्छे से जब मैंने अरेंज एक ऑर्डर में जब सेक्शंस और उनके केस लॉस पढ़े, तो होता क्या है कि आप बाकी बुक्स पढ़ते हो तो यार आपको ढूंढना पड़ता है कि कहीं से लैंडमार्क केस लेके आओ, बंदे कंफ्यूज रहते हैं, चार बुक पढ़ रहे हैं आईपीसी के लिए, तो जो चार बुक ना पढ़ के आप एक बेरेक पढ़ लो, बहुत ही अच्छा, जैसे कि यूनिवर्सल्स वगैरह जो सारे मार्केट में जो बेयर एक्ट आते हैं या डिफरेंट पब्लिशर्स के, वो अच्छे हैं, बट उनमें कमेंट्री इस लेवल की नहीं है। बट एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट का जब मुझे केस मटेरियल, वो काफी जबरदस्त था, बहुत ही अच्छा था, बट उसमें भी थोड़ी वेट थी, अच्छा खासा लेवल था, मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, मतलब बट जब मुझे लगा कि बहुत ही जल्दी करना है, तो जब मैंने बेयर एक्ट देखा, मजे आ गया, लाइक आई वॉज लाइक यार ये मिल गया मुझे, रामबाण मिल गया मुझे। अब मैं जो दो सब्जेक्ट के लाइक नोट्स पढ़ता, मतलब उतने में मैं चार के या पेयर एक से पढ़ के कमांड ले लूंगा, तो फिर मजा आ गया और हो गया काम। वो इसलिए यूपीएससी में जब मैं इंटरव्यू में गया, तो आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट, वो बोल रहे थे कि क्या पूछे, एनीथिंग योर फेवरेट एरिया, मैं सर फेवरेट एरिया शुड बी योर्स, आई विल बी आंसरिंग, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू आस्क एज पर योर विश, तो आपको जो पूछना है पूछो। So at last your hard work pays off. Thank you so much, ma'am. You have studied और आप अपना underground भी हुए. Now there is no need to go underground. Yeah. So and very very best of luck for your future. For you know, we also wanted to do fantabulous work in your coming job. Yes, ma'am. And once again, best of luck from myself and from my the whole team of admission. Yes, thank you so much, ma'am. But एक last day मैं students को कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ बैरिक्स पे कोर रखो, दैट्स द हार्ट एंड सोल, और इट्स स्केलेटन, लाइक आपके किसी प्रिपरेशन का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है ना स्केलेटन, तो जो फ्लैश एंड ब्लड, या फिर आपको जो उसमें सीमेंट और जो ब्रिक्स लगानी हो बाद में लगाते रहना, पहले जो ये जो मैंने आपको बताया एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रैक्ट एंड सीपीसी, ये आपके स्केलेटन बैकबोन है, इस पे आप अच्छी कमांड लो बैरिक्स से, इसमें आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट, अगर हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है तो 4 months, somewhere 5 months इतना लगे थोड़ा, और अगर स्टूडेंट थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ रहा है तो 6-8 months में कमांड ले लेगा, उसके बाद आप सब रिलेट करके पढ़ पाओगे। थोड़े लैंडमार्क के जो सेक्शंस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मेजर, उस पर दो दो तीन तीन लैंडमार्क केस लॉस देख लो, बाकी जरूरत नहीं है हर सेक्शन पे केस लॉ देखने की जरूरत भी नहीं होती, तो आपकी प्रिपरेशन, मतलब आपकी जब रीढ़ की हड्डी, आपकी स्केलेटन आपका स्ट्रांग है, तो आप फिर उस पर कितनी भी बिल्डिंग बनाते रहो वो स्ट्रांग ही होगी, जब आपकी फाउंडेशन वैसी है ना हो जाएगा काम आपका, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मेनली पढ़ना बेयर एक्ट से ही होता है, बुक वगैरह में जाओगे तो आप अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, बताओगे मैं कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर क्रिमिनल का अच्छा एक्सपर्ट प्रोफेसर हूँ, बट आप जज या यूपीएससी नहीं कर पाओगे उससे, तो वो दिक्कत है, तो यू शुड बी ऑलराउंडर, आपकी प्रिपरेशन ना आपकी प्रिपरेशन लाइक जैसे कि हमारे ऑलराउंडर होते हैं क्रिकेट में, उस टाइप से होनी चाहिए आपकी प्रिपरेशन, आपको सिलेबस पता होना चाहिए सबसे पहले, तो आपको किसी पर्टिकुलर उस पर थीसिस, पीएचडी, पोस्ट डॉग या फिर सुपर एक्सपर्ट प्रोफेसर नहीं बनना है, क्योंकि वो भी जाए तो अपने सब्जेक्ट का टिक कर लेंगे, बट जो ऑलराउंड टेस्टिंग होती है एंट्रेंसेस में, तो आपको एंट्रेंस बेस अप्रोच के साथ पढ़ना है, और टारगेटेड एरिया को आप हिट करोगे तो, और एम्बिशन इंस्टीट्यूट इन्होंने तो जबरदस्त काम किया, मजा आ गया, वो अभी भी पढ़ता हूँ, जब भी मुझे रिवाइज करना होता है बस फटाफट देख लेता हूँ, एक जगह पे सब अरेंज मिल रहा है, और क्या चाहिए। थैंक यू नितिन फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल सजेशन टू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।